भारत में महज 2 महीने के अंदर संक्रमित लोगों की संख्या 1000 पार कर चुकी है और इसी के साथ भारत दुनिया के 20 देशों में शामिल हो चुका है। संक्रमित लोगों की संख्या और संक्रमण दर को लेकर भारत की स्थिति अभी काबू में कही जा सकती है, लेकिन ये हफ्ता बेहद निर्णायक होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। जिस स्थिति में देश है, अगर कोरोना वायरस यहाँ से और फैलता है तो भयंकर स्थिति आ जाएगी, क्योंकि देश की जनसंख्या काफी है और कई हिस्सों में जानकारी का अभाव भी। भारत में बढ़ने वाले नए मामलों की संख्या ये तय करेगी कि भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप की स्थिति कैसे रहने वाली है। इसी से ये भी पता चलेगा कि पूरे देश में एक सप्ताह के लॉकडाउन का क्या असर रहा। पिछले सप्ताह जिन देशों ने 1000 मामलों का आंकड़ा पार किया, उनमें रोजाना वृद्धि दर बहुत कम रही। वृद्धि दर कम रहने के पीछे माना जा सकता है कि कोरोना वायरस के शुरुआती प्रकोप से जूझने वाले देशों से इन देशों ने बहुत कुछ सीखा है। तभी भारत सहित इन देशों में लॉकडाउन और शारीरिक दूरी पर तेजी के साथ भरोसा किया। इटली और स्पेन ने तब बड़े कदम उठाए जब वहाँ पर ये वायरस व्यापक रूप से फैल चुका था। भारत ने लॉकडाउन के भीतर उसका 1000वां मामला सामने आया, लिहाजा अगले सप्ताह आने वाले नए मामले ये तय करेंगे कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितने प्रभावकारी साबित हो रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर का एक आयाम ये हो सकता है कि अगर 1000 मामलों के बाद भारत में संक्रमितों की दर चीन के जैसी रहती है तो भारत में संक्रमितों की संख्या 9000 पार कर सकती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर भारत में संक्रमितों की संख्या में जापान का ट्रेंड दिखता है तो भारतीय संक्रमितों की संख्या 1500 के आसपास रह सकती है। हांगकांग के एक अस्पताल के अध्ययन में पाया गया कि मरीज में शुरुआती लक्षण के समय सबसे ज्यादा वायरल लोड पाया गया, लिहाजा कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ऐसे व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा साबित होते हैं। वायरल लोड का मतलब किसी संक्रमित व्यक्ति में कुल वायरस की संख्या है, बाद में इन वायरस की संख्या कम होने लगती है। हमें समझना होगा कि ये वक्त एकजुट रहने का है और सबका साथ देने का। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और संयम और संकल्प लेना होगा जिससे कोरोना वायरस को हराया जा सके। इसीलिए स्टे होम स्टे सेफ। डीबी लाइव की रिपोर्ट।